पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल प्रकरण के बाद पंजाब के साथ लगते हिमाचल के बॉर्डरों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पंजाब में चल रहे तनाव के बाद हिमाचल में भी पुलिस अलर्ट पर है। बाहर से आ रहे वाहनों की पुलिस जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है। पंजाब से सटे प्रवेश द्वार पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। हर गाड़ी को चेक करके ही प्रदेश में एंट्री दी जा रही है। थाना प्रभारी स्वारघाट देवानंद शर्मा भी अपनी टीम के साथ हिमाचल पंजाब के प्रवेश द्वार गरामोड़ा में डटे हुए हैं। एसपी बिलासपुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और 24 घंटे के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि ऐसी एक घटना हुई है पंजाब में, तो हमारे पुलिस मुख्यालय से आदेश भी आया था और बाकी मैंने हमारे रोपड़ के एसएसपी जो हैं उनसे भी बातचीत किया है। तो उसके अनुसार हमारे पंजाब के जो सीमा पड़ती है वहाँ पर गड़ामोड़ा और आगे वाले बगल वाले क्षेत्रों में हमने पुलिस की टीम वहाँ तैनात की है और गाड़ियों का चेकिंग कर रहे हैं। जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं वो चेक कर रहे हैं, वो हो रही है। उसके अलावा हम बगल वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे ऊना हो गया, बद्दी हो गया और कांगड़ा हो गया, और इन सब से भी हमारी बातचीत फ्रीक्वेंटली हो रही है और जो भी इन्फॉर्मेशन है हम तुरंत शेयर करते हैं और जो भी ऐसी कोई इंटेलिजेंस है वो तुरंत हम शेयर कर रहे हैं। और बाकी हमारे पुलिसकर्मी भी फील्ड में लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि हिमाचल में डेफिनेटली ये सिचुएशन पीसफुल रहेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। उपायुक्त बिलासपुर के तरफ से राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।